हाई एवरी वन आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंग बेसिक फोक्स तो लास्ट वीडियो में आप सबके डिमांड पर आई एम स्टार्टिंग द एनसीआरज टूडे दिस इज गोइंग टू बी पार्ट वन पार्ट टू विल कम इन नेक्स्ट फ्यू डेज बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज एट ऑल एज आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी ही चाहिए इंक्लूडिंग प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी सी एपीएफ स्टेट पी एसीएस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर जिससे यू कैन टेस्ट योर सेल्फ कंटिन्यूअसली ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज दिस एनसीआर और इफ यू हैव इन रेड हिस्ट्री एनसीआर इवन वंस वन मोर थिंग आई विल बी कवरिंग दिस एनसीआरटी थ्रू वेरियस डायग्राम्स जिससे आप आइडिया ले सकते हो अबाउट हाउ टू यूज दम इन योर आंसर्स इंक्लूडिंग रेलिवेंट मैप्स एंड पिक्चर्स सो दैट आपको बहुत दिली विदाउट एनी एफर्ट सब कुछ याद बना रहे एंड येस बिफोर वी मूव ऑन अगर आप यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में एग्जाम देने वाले हैं एंड स्टिल आपने प्रिपेरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है फॉर प्रिलियम और फॉर मेन्स या आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो आप चाहें तो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं टू नो हाउ टू प्रैक्टिकली एंड इफेक्टिवली प्रिपेर फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम द जीरो बेस ठीक है तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके okay, सो so हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन के साथ दैट इज व्हाट वेयर हाउ एंड वेन यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बहुत बेसिक डिटेल्स को समझेंगे डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दैट वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे तो एनसीआरटी में टोटल फाइव रीजन के बारे में डिस्कस किया गया है इन सभी को आप यहाँ पे पे लोकेट भी कर सकते हो साथ साथ मैं आपको दिखाती चल रही हूँ सबसे पहला रीजन है सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स अब जो सुलेमान हिल्स है ना ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लोकेटेड है किरतार हिल्स बलोचिस्तान प्रोविंस में आता है पाकिस्तान में यहाँ की खास बात ये थी दैट पीपल यूज टू तो लिव इन विलेजेस बट दे वर फर्स्ट टू बिगैन ग्रोइंग क्रॉप कौन सी क्रॉप थी वो वीट एंड बार्ले कब शुरू किया 8000 थाउजेंड इस अगो तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर की बिगनिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार अगर कहीं ट्रेस करी गई थी दैट वॉज इन दिस रीजन सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स को भी रेयर करने की शुरुआत भी यहीं से हुई थी एंड कौन से एनिमल सेलेक्ट किए जाते थे शीप एंड कैटल ठीक है अगर हम बात करें नेक्स्ट रीजन इन दस ट्रिब्यूटरीज़ वाले पूरे रीजन की तो यहाँ की स्पेशलिटी ये थी दैट द फर्स्ट एवर सिटीज़ जो एविडेंस मिला फर्स्ट सिटीज का इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज फाउंड हेयर अराउंड फोर्टी सेवन हंड्रेड अगो तो वही हम बात करेंगे नेक्स्ट नर्मदा रिवर की तो ये जो पूरा रीजन था यहां पे स्किल्ड गैदर प्रेजेंट हुआ करते थे विच यूज टू कलेक्ट रूट्स फ्रूट्स अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑल्सो दे यूज टू हंट एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल ठीक है तो अभी हमने ये तो बात करी कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कहां पे हुई थी बट यहां पे देखिए जो नॉर्थ ऑफ इंडियन रीजन है यहां पे राइस को ग्रो किया गया था फॉर द फर्स्ट एवर टाइम अभी हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे यहां पे बहुत बेसिक बेसिक शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट इज द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज वाला रीजन अब इस रीजन में ना देखो सिटीज यहां पे भी एमर्ज हुई थी उनका टाइम पीरियड लेकिन क्या था 2500 इयर्स अगो तो बेसिकली जो फर्स्ट सिटीज थी वो इंडस वाली रीजन में आई थी और जो सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड माना जाता है वो माना जाता है गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज में जो सिटीज डेवलप हुई उस टाइम को ठीक है इस टाइम पे एक मगध किंगडम भी प्रेजेंट हुआ करता था विच वॉज द फर्स्ट बिग किंगडम एंड इट वॉज प्रेजेंट साउथ ऑफ गंगा तो यहां पे तो हमने ये बात कर ली दैट वे पीपल लिव्ड अब ये हम जान लेते हैं कि लोग रह तो जरूर रहे थे बट लेकिन दे मस्ट बी माइग्रेटिंग तो क्या रीजन है ये लोग माइग्रेट कर रहे थे दे वर माइग्रेटिंग फॉर लाइवलीहुड फॉर एडवेंचर टू कॉन्कर लैंड टू एस्केचुरल डिजास्टर्स देवर रिलीजियस टीचर्स ऑल्सो जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए माइग्रेट कर रहे थे प्लेस टू प्लेस ऑल्सो देवर मर्चेंट्स ऑल्सो जो ट्रेवल कर रहे थे टू सेल एंड बाय गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस अब इन सब माइग्रेशन की वजह से क्या हो रहा था कि एक ही जगह पे अलग अलग तरीके के लोग रह रहे थे इस वजह से कल्चरल ट्रेडिशन बहुत एनरिच हो रहे थे ये इम्पैक्ट था माइग्रेशन का तो so डेफिनेटली अगर आप थोड़ा भी सोचोगे तो इट्स वेरी कि लोग अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ ठीक नेक्स्ट यहां पे बात की हुई है एनसीआरटी में इंडिया और भारत इन दोनों नेम्स के ऊपर जो ऑब्वियसली अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा चल रहा है सो लेट्स अ क्विक लुक एट दिस कि इंडिया नाम कैसे पड़ा तो बेसिकली जो इरानियंस और ग्रीक थे वो इंदस रिवर्स से तो फेमिलियर थे लेकिन अपनी लैंग्वेज में वो इंदस को ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहते थे एंड दिस इज मैं ऋग्वेद ठीक ओके सो जो नेक्स्ट चीज है दैट इज पास के बारे में पता कैसे चलता है वट आर द एविडेंसिस कैसे एक्चुअली पता चलता है कि पास में क्या क्या हुआ था कहां पे ठीक है तो इसके बारे में सबसे बेसिक चीज है दैट इज द बुक्स जो पास की अभी भी बची हुई हैं आज के टाइम में आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा मेनू या मनुस्क्रिप्ट अब इसका मतलब क्या है मनु रेफर्स टू हैंड तो बेसिकली हैंड स्क्रिप्ट होती थी जो या तो पाम लीफ पर लिखी जाती थी या बर्च पर अब इन स्क्रिप्ट में होता क्या था या तो रिलीजियस बिलीफ होते थे या कुछ साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती थी किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी उनकी विक्ट्रीज के बारे में या फिर मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती थी

शोक रूलर के द्वारा लिखवाया गया था 2250 टू हंड्रेड फिफ्टी ईयर अगो एंड इट वॉज फेमस बिकॉज इट वॉज रिटन इन टू लैंग्वेजेस दैट इज ग्रीक एंड एंड वन मोर सोर्स दैट इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ द पास्ट इज बोन्स जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी अच्छे से तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बट लेकिन आई हैव फ्यू क्वेश्चन फॉर यू जिनका आंसर आप मुझे कॉमेंट्स में बताओगे तो अब आप टेस्ट कर सकते हो अपने आप को कि जितना भी आपने अभी तक सुना है आपको कितना रिटेन हुआ है इससे आपको समझ में आएगा सबसे पहले आपको मुझे बताना है द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कहां हुआ था किस जगह हुआ था ठीक है इसके साथ अगर आप मुझे टाइम पीरियड भी बताओगे कि किस टाइम पे शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की दैट विल बी वेरी गुड कौन ग्रो की गई थी ठीक दूसरा आपको मुझे बताना है कि फर्स्ट फर्स्ट थीजेशन या फर्स्ट सिटीज कहां मिली थी एंड किस टाइम पीरियड में द थर्ड क्वेश्चन इज कि राइस सबसे पहली बार कहां ग्रो किया गया था देन द फोर्थ क्वेश्चन इज कि ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इज अगो सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड यानी कि सिटीज किस रीजन में मिली गई एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव की जो कांधार इंस्क्रिप्शन है ये किन दो लैंग्वेजेस में था तो इन फाइव क्वेश्चन के आंसर इस फर्स्ट चैप्टर से आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा ओके सो नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर टू दैट इज ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लिएस्ट पीपल यहाँ पे हम बात करेंगे अर्लिएस्ट पीपल की एक ऐसे टाइम पीरियड की जहां पे लोगों को लिखना नहीं आता था और इसी टाइम पीरियड को प्री हिस्टोरिक एज भी बोला जाता है बेसिकली थ्री स्टोन एजेस में डिवाइडेड है जिसे मैं आपको आगे दिखाऊंगी अभी बेसिकली हम शुरुआत करते हैं कि अर्लिएस्ट पीपल आखिर थे ऑन देवर हंटर एंड गैदर दे वर पीपल हु टू मिलियन ईयर्स अगो अब ये जो हंटर गैदरर्स थे ये मूव क्या करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस माइग्रेट करते थे इन सर्च ऑफ वॉट इन सर्च ऑफ प्लांट एंड ट्रीज बिकॉज दे यूज टू बेअर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीजनल रिवर्स यहाँ पे साल के कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही पानी पाया जाता है तो पानी की तलाश में वॉटर की सर्च में दे यूज टू तो माइग्रेट थिंग इज दे यूज टू माइग्रेट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ फूड एट वन प्लेस एक ही जगह रहेंगे सब लोग तो एक टाइम पे तो फूड रिसोर्सेस सारे खत्म हो जाएंगे ना एंड ऑल्सो दे यूज टू बिकॉज हंट ऑन एनिमल्स सो दे यूज टू मूव इन सर्च ऑफ एनिमल ऑल्सो अब अपने सर्वाइवल के लिए अर्लिएस्ट पीपल यानी कि हंटर गैदर यूज क्या करते थे टूल्स को विच वेड ऑफ स्टोन वुड एंड बोन लेकिन आज तक जो बेस्ट सर्वाइवल एविडेंस मिला है टूल्स का दैट इज द स्टोन टूल्स अब इन टूल्स को यूज किया जाता था टू तो कट मीट एंड बोन टू तो स्क्रे बार्क टू तो चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स डेग द ग्राउंड एंड स्टिच एनिमल स्किन क्लोथ्स अब स्टोन टूल्स बनाने की एक टेक्निक भी के चैप्टर में बताई हुई है वर टू टेक्निक्स बेसिकली स्टोन ऑन स्टोन एंड द सेकंड मेथड वोज प्रेशर फ्लेकिंग तो अपने सर्वाइवल के लिए हंटर गैदरर्स ने कौन से टूल्स यूज किए वो हमने डिस्कस कर लिए लेकिन वो रहते कहाँ थे उनकी क्या हैबिटेशन साइट थी क्या एविडेंसिस हमें मिले वो एक बार यहां देख लेते हैं तो देखो डेफिनेटली उस टाइम पे वो अपने लिए कोई शेल्टर नहीं बनाते थे वो बेसिकली नेचुरल केव्स या रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे अब तीन एविडेंसेस जो मिले हैं दैट इज फर्स्ट हैंड का साइट है मध्य प्रदेश में इनफैक्ट यहाँ पे आज तक केव वॉल्स पे, पे पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी जिसे आप आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ोगे भी ठीक है द सेकेंड एविडेंस वॉज आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है कुरनूल केव्स यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ एश मिले हैं टेस्ट फायर जरूर हुआ करती थी और यहाँ बहुत सारी अगली पैल्योलिथिक साइट मिली है हम आगे पैल्योलिथिक ये जो वर्ड है डिस्कस करेंगे तो अभी इस वर्ड को ध्यान रखना ठीक तो अभी मैं आपसे पूरा कुछ डिस्कस कर रही थी टू मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के आप मान लो ट्वेल्व थाउजेंड इस अगो तक के बारे में अब अग 12,000 अगो क्या होता है? होता है है मेजर क्लाइमेटिक शिफ्ट द वार्मर टीशन बहुत गर्म होने लगती है ग्रासलैंड की डेवलपमेंट बढ़ने लगती है और उसका आउटपुट क्या होता है कि हर्डिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स बहुत अच्छे से शुरुआत हो जाती है इनकी होना ठीक तो ये तो हमने पूरा अर्लियस्ट पीपल के बारे में पढ़ लिया अब हम जो मैंने शुरू में एक वर्ड यूज किया था इस चैप्टर में दैट इज प्री हिस्टोरिक एज बेसिकली इस चैप्टर से हम एक टाइमलाइन के सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे एंशियट हिस्ट्री में शुरुआत हम कर रहे हैं प्री हिस्ट्री से यानी जब तक आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी लोग लिख नहीं पाते थे ये बेसिकली रेफर करता है तीन स्टोन एजेस को पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक अब पैल्योलिथिक का मतलब क्या है इनका मतलब क्या है करके समझते हैं पैल्योलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज पैलियो इज ओल्ड एंड लिथिक इज स्टोन अभी कितने टाइम पीरियड तक रहा ये फेज आपका चला टू मिलियन ईयर्स अगो से ट्वेल्व थाउजेंड अगो तक का एंड दिस पीरियड कवर्ड नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री ये पीरियड इतना बड़ा था कि इसे खुद तीन फेजेस में डिवाइड किया गया था लोअर मिडल एंड अपर अब ये जो तीनों लोअर मिडल एंड अपर फेजेस है ना इन्हें बहुत अच्छे से आप ओल्ड एनसीआरटी जो है आर एस शर्मा उसमें अच्छे से कवर करेंगे हम ठीक पैलोथिक एज का नाम ही पड़ा ड्यू टू तो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स और खास बात इस पीरियड की यह थी कि यहां पे एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रेज इस पीरियड में पाया गया था बिकॉज हमें, में जहां हमें के मिले थे, Mesolithic Mesolithic का मतलब क्या हुआ मिडिल स्टोन एज ये पीरियड आपका 12,000 इयर्स अगो से 10,000 इयर्स अगो तक प्रेजेंट था इस पीरियड की खास बात थी कि यहां पे बहुत टाइनी स्टोन टूल्स यानी माइक्रोलिथ्स प्रेजेंट हुआ करते थे अब इन माइक्रोलिट्स को वुड या बोन पे अटैच कर दिया जाता था जिससे एंड सिकल बनाई जाती थी आर एस शर्मा में अभी चाहते हैं यहां पर खत्म हो चुका है चैप्टर टू तो आपको यहां पर मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर कॉमेंट्स में बताने जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी पूछे थे द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइम स्टोन के टूल्स किस साइड पर मिले थे क्वेश्चन इज ट्रेस ऑफ एश किस साइड पे पाया गया था द थर्ड क्वेश्चन इज अर्लिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स किस साइड पे मिली एंड ऑल्सो द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू साइट ओनली इन दिस चैप्टर द लास्ट क्वेश्चन इज की एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिज किस जगह मिला है हमें इंडिया में तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कॉमेंट्स में बताने हैं तो okay, so हमने पिछले चैप्टर में बात की थी अर्लीस्ट पीपल की दैट इज हंटर गैदरर्स की अब आगे चैप्टर थ्री में हम डिस्कस करेंगे हंटर गैदरर्स के बाद वाले पीरियड को ठीक है दैट इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड वाले पीरियड को कि यहाँ पे इस समय में किस टाइप के लोग प्रेजेंट थे क्या किया करते थे उसे समझेंगे ठीक स्टार्ट स्टार्ट करेंगे हम कि फार्मिंग और हर्डिंग की स्टार्ट कैसे हुई भाई पहले हंटर थे थे जो सिर्फ कलेक्ट किया करते थे अलग अलग चीजों को जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा आप मुझे कॉमेंट में बताना कि क्या क्या वो कलेक्ट करते थे जिस पे डिपेंड करते थे और जिस वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ता था लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फार्मिंग और हर्डिंग की बिगनिंग कैसे हुई फार्मिंग के लिए बेसिकली लोग क्या करते थे प्लांट्स को लुक आफ्टर करते थे उन्हें प्रोटेक्ट करते थे एनिमल्स से एंड बर्ड्स से ताकि जो प्लांट्स के सीड्स हैं वो पक सके राइप हो सके एट द सेम टाइम हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई कि एनिमल्स को उस टाइम पर लोगों ने टेम करना यानी कि पालना शुरू कर दिया किस तरीके से जहां एनिमल्स प्रेजेंट थे वहीं पे जाके उनके लिए फूड छोड़ाया करते थे एंड द फर्स्ट एनिमल्स विच वर टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग्स अब इस हैबिट से धीरे धीरे क्या हुआ जो जेंटल एनिमल्स थे अपने बिहेवियर में उनको उस समय लोग अपने घरों के पास ले आकर के वहां रखा करते थे उन्हें प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल से फॉर एग्जाम्पल शीप गोट कैटल एंड पिग्स एंड दिस वे हर्डिंग ऑल्सो स्टार्टेड विथ फार्मिंग अब हर्डिंग और फार्मिंग की वजह से शुरुआत हो चुकी थी डोमेस्टिकेशन की 12,000 थाउजेंड इस अगो से ही यहाँ पे क्या होता है बेसिकली डोमेस्टिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स एंड देक आफ्टर द एनिमल्स अब जो अर्लिएस्ट डोमेस्टिकेशन का एग्जाम्पल है प्लांट्स में है वो आपका वीट एंड बार्ले जो ध्यान करिए हमने चैप्टर वन में भी डिस्कस किया था जब हम पूरी हिस्ट्री के कुछ बेसिक चीजों को समझ रहे थे और एनिमल्स में जो अर्लिए डोमेस्टिकेशन का एग्जाम्पल है दैट इज शीप एंड गोट अब इन प्लांट्स एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने के लिए भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता था उस समय जो लोग जो लोग यूज क्या करते थे अब ये जो पूरा हम टाइम पीरियड डिस्कस कर रहे हैं ना ये हम डिस्कस कर रहे नियोलिथिक वाला पिछले चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो नियोलिथिक का टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुआ है टेन थाउजेंड अगो और यहां पे हम बात कर रहे हैं फार्मिंग की यानी बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी थी फूड को ग्रो करना हम शुरू कर चुके हैं चैप्टर वन में ही हमने डिस्कस किया था कि फूड को हमने ग्रो करना कब शुरू कर दिया था वहां पे मैंने आपको बताया था एट थाउजेंड ईयर्स अगो ठीक है तो ये बेसिकली न्यूलिथिक स्टोन एज वाले टाइम पीरियड को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अब ये जो प्लांट्स को ग्रो करने की वजह से ग्रेन्स होते थे उनका यूज किया जाता था एज फूड एज सीड्स फॉर गिफ्ट एंड दे वर ऑल्सो स्टोर्ड फॉर फूड अब इन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए उस टाइम पे पीपल स्टार्टेड मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स दे स्टार्ट वोविंग बास्केट एंड जमीन में गड्ढे डग करना शुरू कर दिया था दे यूज टू तो डग पिट्स ताकि वो इन ग्रेन्स को स्टोर कर सके ठीक अब यहां पे ये कुछ साइट्स दी गई हैं जैसे कि मेहरगढ़ कोल्डीवा महागरा गुफक्राल होम चिरांद हलूर एंड पीएमपल्ली ये काफी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन चाहे वो पीसीएस हो या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो इनफैक्ट यूपीएससी भी हो यहां से क्वेश्चन साइट्स के बारे में जरूर आता है तो यहां पे कौन से ग्रेन्स मिले कौन से बोन्स के एविडेंसेस मिले इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हाँ अगर आपको इस पूरी क्लासिक्स की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो ठीक हम तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि हम क्योंकि न्यूलेथिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात करेंगे सेटल्ड लाइफ की ठीक देखो लोगों ने प्लांट्स को एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया इसका मतलब यह है दैट पीपल वर नॉट माइग्रेटिंग वो एक ही जगह पर रह रहे थे राइट इसका मतलब है कि उस समय लाइफ सेटल होना उनकी शुरू हो चुकी थी वो एक जगह रहा करते थे एंड कौन से एविडेंसेस हमें बताते हैं कि उस टाइम पीरियड में सेटल लाइफ थी उन्हें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले एक साइट है बुर्जा होम कश्मीर में यहाँ पे हमें ट्रेसेस मिले हैं हट्स एंड हाउसेस के किस टाइप के हट्स एंड हाउसेस हाउसेस, जो जमीन के नीचे एक गुफा जैसे बने होते हैं बेसिकली कुछ स्टेप्स अपने लिए बनाते थे जिसके थ्रू वो नीचे जाते थे और वहां रहा करते थे ठीक प्लस हमें मिले हैं कि पीपल यूज टू कुक इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस वो मोर्टाज एंड पेस्टल जैसे टूल्स भी यूज कर रहे थे जिससे वो ग्रीन को ग्राइंड कर सके ग्रीन को स्टोर करने के लिए और कुकिंग के लिए पॉट्स को यूज क्या कर रहे थे अर्दिन पॉट्स को इनफैक्ट उस टाइम पे क्लोथ वीविंग का भी एविडेंस मिला था एग्जाम्पल कॉटन अब we विल डिस्कस the वेरी important साइट ऑफ Neolithic that is मेहरगढ़ सेटलमेंट साइट ये बेसिकली पाकिस्तान में बोलन पास के पास प्रेजेंट है और यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था 8,000 थाउजेंड ईयर्स अगो इसलिए ये जो मेहरगढ़ सेटलमेंट है इसे वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस माना जाता है यहाँ पे बार्ले वीट को ग्रो किया गया था शीप एंड गोट को रियर किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनफैक्ट यहां पे आपको रिमेन्स मिलेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस के भी विद मोर देन फोर कंपार्टमेंट्स जो आप यहां स्क्रीन पर देख भी सकते हो ठीक इसी के साथ यहाँ पे सेवरल बरल साइज भी देखने को मिली थी फॉर एक्साम्पल डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट अब ये जो गोट्स के साथ बरी इसलिए किया जाता था बिकॉज उस टाइम पे ये लोग सोचते थे दैट दे दैट इट विल सर्व एज अ फूड फॉर देयर लव्ड वंस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑल्सो पे एनिमल बोन्स के भी एविडेंसेस मिले थे एक और साइट है में देवजली हेडिंग साइट पे स्टोन टूल्स जैसे मोर्टार और पेस्टल तो मिलते ही थे बट एक स्पेशल स्टोन टूल था जो चाइना से लाया जाता था दैट इज जेडाइट उसका एविडेंस भी हाँ मिला तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना प्लस यहाँ पे पॉटरी के फॉसिल वुड के बने टूल्स का भी एविडेंस मिला था तो इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर थ्री खत्म होता है अब यहाँ पे आपको मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट्स में बताने हैं जैसे कि मिलिट कहां पे मिली थी कौन से दो साइट में मिलिट मिली थी मिलिट देखो टाइम से न्यूज में भी है जी ट्वेंटी के परस्पेक्टिव में भी मिलिट का काफी इंपॉर्टेंस था तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मिलिट किन दो साइट पे प्रेजेंट था ये आपको मुझे बताना है दूसरा क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट विलेज का एग्जाम्पल क्या है मैंने अभी इस चैप्टर में डिस्कस किया है आपको बताना है ऑल्सो पिट हाउसेस हमें किस साइट पे मिले थे ये आप मुझे बताएंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेस्टिकेशन की शुरुआत द बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन कब हुई थी दैट यू हैव टू मी एंड द लास्ट क्वेश्चन इज जो जेडाइट स्टोन है जो हम चाइना से जो चाइना से लाया जाता था उस टाइम पीरियड में वो किस साइड पे मिला था तो इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे बताएंगे ठीक है तो अभी तक हमने बात करी अर्लिएस्ट पीपल की उसके बाद फार्मिंग की हर्डिंग की अब हम चलेंगे चैप्टर फोर पे दैट इज इन द अर्लीस्ट सिटीज जो फर्स्ट सिटीज थी उनके बारे में बात करेंगे देखो द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वॉज द हरप्पा सिटी और इसी सिटी के ऊपर पूरी सिविलाइजेशन का नाम भी पड़ गया था वन तो सिविलाइजेशन जिसे हम दूसरे नाम इंदस वाली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं जो सारी सिटीज़ इस सिविलाइज़ेशन में इनकी शुरुआत तो हुई थी 4700 अगो से, लेकिन इन सिटीज का एंड होना भी शुरू हो गया था किस टाइम पीरियड से 3900 नाइन हंड्रेड अगो से एंड क्यों हुआ था क्या है? इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन सिटीज के स्पेशल फीचर्स क्या थे देखो ये जो फर्स्ट सिटीज थी इस सिविलाइजेशन की वो यूजुअली ज्यादातर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी दैट इज सीटा एंड लोअर टाउन सीटा बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी होता था जो कि स्मॉलर एरिया होता था एंड वाज़ हायर इन द हाइट तो वहीं पे लोअर टाउन वाज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी जो कि लार्जर इन एरिया होता था एंड लोअर इन हाइट होता था अब इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करता था बेड ब्रिक्स बेसिकली इन दोनों के चारों तरफ ब्रिक्स की बाउंड्री बनाई जाती थी जैसे कि ग्रेट बाथ दैट इज अ वॉटर टैंक एविडेंस मिला था मोहन में फायर ऑल्टर्स यानी एरिया जहां सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते थे उसका एविडेंस मिला था कालीबंगन एंड लोथल में स्टोर हाउसेज इज ग्रीनरी एविडेंस मिला था तीन साइड से दैट इज मोहनजोदारो हरप्पा एंड लोथल अब इन सिटीज में जो हाउसेस थे घर थे वो ज्यादातर वन टू टू स्टोरी हाई थे और इन हाउसेस के बीच में कोटियाट होता था जिसके अराउंड रूम्स प्रेजेंट हुआ करते थे इनफैक्ट कुछ हाउसेस में बाथिंग एरिया एंड कुछ में वेल्स भी प्रेजेंट थी यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की भी प्लानिंग होती थी इन सिटीज में ड्रेन जो है आप, आपके स्ट्रेट लाइन में होते थे विद द जेंटल स्लोप एंड जगह जगह पे इंस्पेक्शन होल्स प्रेजेंट हुआ करते थे तो ये तो स्पेशल फीचर्स हो गए सिटी के बारे में अब डिस्कस करते हैं कि, कि किस तरीके के लोग इन सिटीज में आकर रहा करते थे बिकॉज अभी हमने पीछे हंटर गैदर सबसे पहले डिस्कस किया उसके बाद हमने फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में पढ़ा अब सिटीज में किस टाइप के लोग रहते थे एक नजर उस पर फटाफट डालते हैं एज पर द चैप्टर फॉर कैटेगरीज ऑफ पीपल यूज टू लिव इन दीज हरपन सिटीज इसमें सबसे पहले थे रूलर्स जो कि प्लान करते थे स्पेशल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का सीटा डेल में जिन्हें अभी हमने ऊपर डिस्कस किया जैसे कि आपका ग्रेट बात हो गया फायर ऑल्टा हो गया यही रूलर्स लोगों को डिस्टेंट लैंड में भेजा करते थे रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए बिकॉज अगर आप सिटी में एक जगह रह रहे हो तो सब कुछ तो आपको वहां पर रहने के लिए मिलेगा नहीं कुछ चीजें कुछ रॉ मटेरियल मंगवाया जाता था जिन्हें अभी मैं आपको आगे बताऊंगी थोड़ी देर में ठीक इसके साथ साथ ये जो रूलर्स थे अपने पास वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रखते थे जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है एंड बीट्स अब रूलर्स के अलावा सिंपल मेन एंड वुमेन प्रेजेंट हुआ करते थे जो कि ज्यादातर कंट्री साइड में रहते थे इनका काम फार्मिंग या हर्डिंग होता था कुछ लोग होते थे हु न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग बेसिकली हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन जहां पे एविडेंस मिला था आर्ट ऑफ राइटिंग का हालांकि वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो सका है ये बात ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो इसलिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इन लोगों को स्क्राइब्स कहा जाता था जिन्हें आर्ट ऑफ राइटिंग आती थी और यही लोग हेल्प करते थे सील्स पर लिखने के लिए या अदर मटीरियल पर लिखने के लिए फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल जो सिटी में प्रेजेंट थे दे वर द क्राफ्ट पर्सन दे यूज टू मेक ऑल ऑफ थिंग्स फ्रॉम स्टोन शेल्स एंड मेटल्स मेटल का यूज होने लगा था कौन से मेटल कॉपर ब्रॉन्स गोल्ड एंड सिल्वर अभी जो क्राफ्ट पर्सन किस टाइप के क्राफ्ट बनाते थे ये फटाफट यहां देख लेते हैं हरपन सील्स ये बनाते थे जो कि अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग था इन द सब ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया टेराकोटा के टॉयज बनाते थे स्टोन के वेट्स बनाते थे विच वर मेड फॉर चर्च स्टोन बीज विच वर मेड फ्रॉम कार्नेलियन रेड स्टोन काफी इंपॉर्टेंट है ये चर्च स्टोन एंड कार्नेलियन रेड स्टोन ध्यान रखिएगा किस चीज में यूज होते हैं स्टोन ब्लेड स्टोन स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन जो कि मोहन जोदारो में मिले थे वॉज वेयरिंग अ क्लॉथ अराउंड है डिजाइन एंड इवन क्लॉथ पीस वॉज फाउंड एज एन एविडेंस इसके साथ साथ स्पिंडल वोल का भी एविडेंस मिला है विच वॉज मेड ऑफ टेराकोटा एंड फोन स्टोन ठीक तो अब ये तो सारी बात हो गई कि भाई किस तरीके के लोग रहते थे लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया कि रूलर्स भेजते थे रॉ मटेरियल्स के लिए तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इन सिटीज में यूज किए जाते थे वो देख लो काफी इंपॉर्टेंट है देवर फोर रॉ मटीरियल्स दैट इज कॉपर ये कहां से लाया जाता था राजस्थान एंड ओमान से टिन लाया जाता था अफगानिस्तान एंड ईरान से गोल्ड कर्नाटका से एंड प्रेशियस स्टोन्स गुजरात अफगानिस्तान एंड ईरान से तो इन रॉ मटेरियल्स का बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होता था हर्बन या इन सिविलाइजेशन के टाइम पे फूड की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर वीट बारे पीज राइस लाइन सीड एंड मस्टर्ड ग्रो किया जाता था प्लो का एविडेंस मिला था जो कि एक मॉडल था इसीलिए किया जाता है कि उस टाइम पीरियड पर वुड के प्लो यूज किए जाते होंगे ठीक है फिश का यहाँ पे एविडेंस मिला था people at that time used to rear cattle, sheep, goat and buffalo in these cities. They used to collect fruits like bear and hunt animals like antelope. ठीक अब यहाँ पर एनसीआरटी में गुजरात के दो towns को थोड़ा सा डिस्कस किया गया है सिविलाइजेशन के दैट इज ढोलावेरा एंड लोथल फर्स्ट वी विल डिस्कस ढोलावेरा ये खादर बेद रन ऑफ कच्छ में प्रेजेंट है एंड दिस इज द रेयर साइट विच was डिवाइडेड into थ्री parts. िस साइड ऑल्सो हैज अ वेरी लार्ज ओपन एरिया इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट जहां पर पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी एंड काफी बड़ी लार्ज स्क्रिप्ट वॉज कार्व आउट ऑफ द व्हाइट स्टोन दैट वॉज देन इन लेड इन वुड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली जो हरप्पन राइटिंग थी ना वो काफी स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि सील्स पर प्रेजेंट हुआ करती थी अब बात कर लेते हैं लोथल टाउन के बारे में ये जो टाउन है दैट इज लोकेटेड ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती क्लोज टू गल्फ ऑफ खम्बर ये बेसिकली सेंटर है ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल यहां पे स्टोर हाउस तो प्रेजेंट ही है बट लेकिन साथ में लोथल इज वेरी वेरी फेमसली रिकोग्नाइज फॉर बींग अ डॉक यार्ड एट द टाइम ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड यहां पे बीड मेकिंग फैक्ट्री और वर्कशॉप भी प्रेजेंट थी लेकिन ये जो सारी हरप्पन सिटीज थी इसका बहुत मिस्टीरियस तरीके से एंड हुआ इसका कोई बहुत नहीं मिला है लेकिन है कि आ गए या फिर और इन सिटीज के एंड होने के बाद जो नेक्स्ट टाइम सिटीज इवॉल्व हुई वो हुई थी आपकी एमर्ज हुई 2500 इयर्स अगो यानी कि 1400 इयर्स इन लेटर फ्रॉम दिस टाइम पीरियड इन द गंगा वैली तो यहां पे ये सिविलाइजेशन का चैप्टर तो एंड होता है लेकिन यहां पे आपको मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हम सिटीज है ना इनकी बिगनिंग कब हुई और इनका एंड होना स्टार्ट कब हुआ ये दोनों टाइम पीरियड आप मुझे कॉमन से बताइए सेकेंड क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि जो स्टोन स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मेन है ये किस साइट पर या किस सिटी पे लोकेटेड था थर्ड यू विल टेल मी द एविडेंस ऑफ द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या था ठीक है द फोर्थ क्वेश्चन इज कौन सी सिटी है जो तीन पार्ट में डिवाइडेड थी ना कि सिर्फ दो पार्ट में एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि जो बीड मेकिंग फैक्ट्री है और जो डॉक यार्ड है ये किस सिटी में प्रेजेंट था तो हमने सिटीज के बारे में तो सब कुछ इन डेप्थ डिस्कस कर लिया है दैट हैड टू ऑफर अस नाउ वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर दैट व्हाट बुक्स एंड एनसीआर है ठीक है तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही फोर वेदास का नाम दिया हुआ है द रिग वेद इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट वेद साम वे विच है अर्लिएस्ट रेफरेंस टू सिंगिंग इन वेद इट कंसिस्ट ऑफ मेले यजुर्वेद विच इज अ बुक ऑफ प्रेयर्स दैट हैज द कलेक्शन ऑफ मंत्रास दैट कैन बी यूज फॉर यज्ञ परफॉर्मेंसेज एंड सैक्रीफाइसेज एंड द लास्ट वेद इज अ थर्ड विच इज अ बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म ठीक है तो इस चैप्टर में बेसिकली वेदिक एज दैट इज द एज ऑफ ऋग्वेद को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है उसको हम अच्छे से समझते हैं देन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर बरल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है उसे हम बाद में देखते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऋग्वेद तो ऋग्वेद यह ओल्डेस्ट वेद था जो कंपोज किया गया था अराउंड थर्टी फाइव इयर्स अगो अब इस वेद के अंदर हाइम्स थे जिन्हें सुक्ताज या वेल सेट बोला जाता था विच वर मोर देन थाउजेंड इन नंबर एंड हाइम्स वर रिसाइटेड इन प्रेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इस वेद में तीन गॉड्स को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है दैट इज अग्नि द गॉड ऑफ फायर इंद्र द वॉरियर गॉड एंड सोम द प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक इज फॉर्म ठीक दिस हाइम्स वर कंपोज बाय सेजेस मोस्टली मेन एंड वेरी फ्यू वुमेन

और जो इस टाइम पीरियड पे वेल्थ जो भी जनरेट होती थी ये मोस्टली लीडर्स एंड प्रीस्ट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जो बची ही रह जाती थी उसे आम जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे इस वेल्थ का यूज किया जाता था यज्ञ्स के लिए और सेक्रीफाइसेज और ऑफ़रिंग्स के लिए बहुत ध्यान रखना इस नेक्स्ट पॉइंट को दैट इज इस टाइम पीरियड में कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी आर्मी थी ही नहीं देर वर ओनली असेंबलीज एंड जहां पे मैटर्स वॉर इन पीस को डिस्कस किया जाता था और लोग अपने लीडर्स को चूज करते थे विच वर यूजली ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स ठीक है आपने हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में गो थ्रू किए होंगे टर्मोलॉजीज के ऊपर ठीक है यूपीएससी बहुत फोकस करता है तो यहां पर भी देखिए दे आर फ्यू वर्ड विच वो यूज टू डिस्क्राइब पीपल इन ठीक है अगर वर्क के टर्म्स में बात करें तो ब्राह्मिंस एंड राजा दीज टू टर्म्स वॉज यूज ब्राह्मिंस विद प्रीस्ट एंड राजा पीपल और द लीडर्स हु परफॉर्म रिचुअल्स कम्युनिटी के टर्म्स में दे वर टू टर्म्स यूज इन दिस वेद दैट इज जन एंड दिस फॉर एग्जाम्पल आपका पुरुजन भारत जन यदुजन ठीक है द नेक्स्ट टर्म इज आर्याद दीपल हु कंपोज हाइम्स एंड अनदर टर्म वॉज दास विच वर कॉल द अपोनेट ऑफ दीज आर्याज दे डिड नॉट परफॉर्म सेक्रिफाइस दे प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड इन लेटर टाइम पीरियड दास वॉज सब्सटीट्यूटेड एज स्लेव ठीक तो ये तो बात हो गई ऋग्वेद के एज के बारे में ऋग्वेद की बुक के बारे में अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं दैट इज़ द बरियल ठीक है यहां पे हम बात करेंगे मेगालिथ के बारे में मेगालिथ मींस व्हाट बिग स्टोन्स इसको कंफ्यूज मत करना मेसोलिथ से बिकॉज मेसोलिथ Was stone age. वो बिल्कुल अलग चीज है बरियल तो किया जाता था बरियल साइड को मार्क करने के लिए प्रैक्टिस है ना ऑफ मेगा और ये ज्यादातर आपको डेक इन साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में मिलेगी जो स्टोन थे देवर कैन बी सीन ऑन द सर्फेस एंड अंडरग्राउंड बोट एंड देवर फोर कॉमन फीचर्स एसोसिएटेड विद बरियल पहला तो ये ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट्स वर यूज टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन्स वर यूज स्केलेटन्स विद इक्विपमेंट्स ऑफ हॉर्सेस वर फाउंड एंड स्टोन एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर फाउंड ठीक है इनफैक्ट इन बरियल्स में सोशल डिफरेंसेस का एविडेंस भी मिला था एट द ब्रह्मगिरी साइट, जहां पे एक स्केलेटन तो बरी किया गया था विथ 33 थ्री गोल्ड बीच फोर कॉपर बैंगल्स एंड वन कॉन्ट शेल बट अदर्स वर वरीड विथ ओनली पॉट्स इनफैक्ट सम मेगलिट्स ऑल्सो कंटेन द एविडेंस ऑफ फैमिली बरियल एक स्पेशल साइट है इनाम गांव जो कि 3600 सिक्स हंड्रेड टू ट्वेंटी सेवन अगो एक सेटलमेंट प्रेजेंट थी ऑन द रिवर घोट बिकॉज यहां पर एडल्स वर बारी स्ट्रेट विद हेड्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेसल्स वर प्लेस्ड विद विदेड क्रॉस लेगड पोजिशन बारियल वॉज फाउंड इन कोर्ट यार्ड ऑफ अ लार्ज हाउस एट दिस सेटलमेंट ठीक है तो अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया है बुक ऋग्वेद के बारे में और मेगालिथ वाले बरियल्स के बारे में अब आपको मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेन ऋग्वेद वेद कम्पोज यू हैव टू टेल मी दैट टाइम पीरियड इन द कॉमेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद में कौन सी रिवर्स का नाम मेंशन किया हुआ है द थर्ड क्वेश्चन इज सोशल डिफरेंसेस इन द बरियल्स वॉज फाउंड एट विच साइट फोर्थ क्वेश्चन इज क्रॉस लेग बल कहां देखने को मिला विच इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट साइट And the last question is: beginning of building of megaliths started at which time period? So in questions you can answer common space in the comments.

Very big जिसका most फ्रीली. अगर वो राजा अगर उस हॉर्स को रोकता तो उस राजा से या तो लड़ाई हो जाती थी या फिर अगर वो दूसरा राजा एक्सेप्ट कर लेता उस हॉर्स को अपने लैंड पर तब उस राजा को एक्सेप्ट करना पड़ता था, था द राजा परफॉर्मिंग दिसर ठीक है अब ये जो राजा है जो ऑर्गेनाइज करता था इस सैक्रिफाइस को उसे बहुत पावरफुल माना जाता था एक स्पेशल सीट या थ्रोन दिया जाता था एंड ही यूज टू वेयर द टाइगर स्किन उस राजा के वाइफ एंड जो सन्स थे दे यूज टू तो परफॉर्म माइनर रिचुअल्स बाकी जो अदर राजास थे उन्हें स्पेक्टेटर्स के तौर पे बुलाया जाता था प्रीस्ट ये रिचुअल परफॉर्म करवाता था वाज गिवन गिफ्ट्स फॉर दिस Ordinary लोग जैसे कि विश और वैश्य फॉर द ना दे रिचुअल्स अब हमने यहां पे पहली बार शूद्रास की बात की है तो यहां पे हम फटाफट समझ लेते हैं चार वर्णा के बारे में ठीक बेसिकली जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने डिवाइड किया हुआ था लोगों को चार ग्रुप्स में दैट इज फोर वर्णा में विच वॉज बेस्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जहां पर हर वर्ना का अलग अलग फंक्शन था द फर्स्ट एंड दाइए ब्राह्मण जिनका काम क्या था टू टीच और स्टडी वेदास परफॉर्म सेक्रीफाइजेस एंड उनको गिफ्ट मिलते थे इस चीज के लिए द सेकेंड वर्ना वो ऑज क्षत्रिया हुआ द रूलर्स जो फाइट करते थे बैटल्स को एंड दे यूज टू प्रोटेक्ट पीपल प्लस ऑल्सो दे यूज टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस The third Varna in the order was Vish or Veshyas. They were basically farmers, herders, traders, and they were also, you know, accepted to perform sacrifices. But the fourth Varna, tha na, that was called Shudras, only purpose was to serve upper three groups and they cannot perform any ritual. That's why mentioned that Shudras were excluded from rituals. Also, Varnas may also said that women and Shudras are not allowed to study Vedas. ठीक तो तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया किंग्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं जनपद के बारे में जनपद वर वर दे बेसिकली एंड किंगडम्स ऑफ द टाइम लिटरली जनपद का मीनिंग होता था लैंड वेयर जन और द पीपल सेटल्ड डाउन अब जो राजा होता था हु परफॉर्मिंग दीज बिग सेक्रीफाइजेस इसको रिकॉग्नाइज किया जाता था एज द राजा ऑफ जनपद नॉट ऑफ द जन जैसे पिछले चैप्टर में हमने जन की बात कर, करी दैट जन यूज टू इलेक्ट देयर लीडर तो वो जन का लीडर ना होकर अब पूरे जनपद दैट इज लैंड जमीन का राजा बन गया ठीक है अब जनपद के फ्यू सेटलमेंट्स के एविडेंसेस या एग्जांपल्स जो हमें मिले दैट वाज फ्रॉम पुराना किला दिल्ली हस्तिनापुर एंड मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर एटा इन यूपी ठीक ये एनसीआरटी में तीनों साइट्स साइड है इसलिए वो भी मैं साथ साथ यहां करते चल रही हूँ

Animals like cattle, they they used used to to grow many crops पर, and they used to make earthen pots से कुछ रेड हुआ करते थे जिन पर यू you नो know, अलग अलग डिजाइन पेंटेड ऑफ लाइन एंड पैटर्न इसीलिए स्पेशल टाइप ऑफ pottery इस टाइम पे एमर्ज हुई दैट वॉज पेंटेड ग्रे वेयर ठीक पॉटरी के बारे में भी मैं साथ साथ बताते चल रही हूं ध्यान रखिएगा इस चीज को तो अब ये तो हमने बात करी जनपद की नाउ लेट्स महाजनपद हंड्रेड इन अगो कुछ जनपद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए जिन्हें महाजनपद बोला जाने लगा यहाँ पे कैपिटल सिटी हुआ करती थी एंड बहुत सारे महाजनपद ऐसे थे जिन्हें फोर्टिफाई किया हुआ था अब ये जो इस टाइम पे जो महाजनपद के राजा थे ना न्यू राजाज ये मेंटेन करने लगे थे रेगुलर आर्मीज को इनके जो सोल्जर्स थे इनको रेगुलर पे भी मिलती थी एंड सम यूज टू गेट पेड इन द फॉर्म ऑफ पंच मार्क्ड कॉइंस जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे ठीक अब रूलर्स जो इस टाइम पे क्या थे ये टैक्सेस भी स्टार्ट कर दिए थे रेगुलरली कलेक्ट करना इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द गि एट द टाइम ऑफ जनपद अभी जो टैक्सेस थे ये किस पर अप्लाई करते थे वो क्रॉप पे करते थे जहां पे वन सिक्स ऑफ द प्रोड्यूस जिसे भाग बोलते थे वो देना जरूरी था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था टैक्स का क्राफ्ट पर्सन पे अप्लाई किया जाता था हर्डर्स पे करते थे गुड्स पे करते थे हंटर एंड गैदर पे भी करते थे टैक्सेस का यूज कहां करते थे फूड्स को बनाने के लिए आर्मीज को मेंटेन करने के लिए इसी सेम टाइम पीरियड यानी 2500 इयर्स अगो चेंजेस इन एग्रीकल्चर भी ऑब्जर्व किए गए दो चेंजेस थे मेयरली सबसे पहला था मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज कि आयरन प्लोशियर में यूज होने लगा था हम, हमने याद करो सबसे पहला जो प्लो का एविडेंस है वो हमने पढ़ा था हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जहां मैंने आपको बताया था कि वुड का एक्सम्शन है कि यूज होता था आयरन का नहीं यहाँ पे आयरन प्लोशियर का यूज होता था जिस वजह से और भी ज्यादा ग्रेन आउटपुट प्रोड्यूस होने लगा बहुत अच्छे से ऑन हायर स्केल दूसरा जो चेंज था दैट वॉज पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी ठीक है पहले हंटर गैदर से वेट करते थे कोई सीड गिरे दैट इज की जो सैप्लिंग है उनको प्लांट किया जाता था जिससे प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो सके इंक्रीज हो सके अभी जो सैप्लिंग्स है इन्हें प्लांट कौन करता था इधर और, और कमकार्स कम कार्स, कार्स कौन थे देवर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स ठीक अब यहां पे मगध एन वज्जी महाजनपद को डिस्क्राइब किया हुआ है एनसीआरटी में उनको समझ लेते हैं एक बारी जो मगध था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद था यहाँ पे गंगा एंड सोन रिवर फ्लो करती थी मगध की जो कैपिटल थी ये दो थी पहले राजगृह होती थी और, और, और महापद्म नंदा महा के ही पे जो पूरा मगध एम्पायर है इट एक्सटेंडेड द कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट और खास बात मगध एम्पायर की है कि 2300 इयर्स अगो जब अलेक्जेंडर फ्रॉम मेसिडोनिया इंडिया आ चुके थे अप टू ब्यास बट ही कुड नॉट केम फॉरवर्ड क्योंकि जो उनके सोल्जर्स थे वो डर चुके थे बाय नोइंग अबाउट द माइटी ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ मगध ठीक अब हम बात करते हैं वज्जी महाजनपद की इसकी कैपिटल हुआ करती थी वैशाली इन प्रेजेंट डे बिहार एंड ये जो वज्जी है हाउ इट वॉज डिफरेंट वॉज दैट यहां पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट थी जिसका नाम क्या था गण या फिर संघ अभी होता क्या है गन या संघ ये फटाफट फड़ समझ लेते हैं यहां पे एक रूलर नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर्स प्रेजेंट होते थे इस सारे जो रूलर्स थे या राजास थे ये साथ मिलकर रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे और असेंबलीज में मिला करते थे टू टेक कलेक्टिव डिसीजन यहां पर विमेन कम कार्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे असेंबलीज में बुद्ध एंड महावीर भी गन या संघ को ही बिलोंग करते थे जिन्हें आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगी भी एंड ये जो गन और संघ का जो कॉन्सेप्ट है ना ये 1500 हंड्रेड अगो तक ही वैलिड रहा बिकॉज जो गुप्ता थे उन्होंने लास्ट गन को कौन कर, कर लिया था इसी के साथ अब यह चैप्टर भी खत्म होता है अब आपको मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने हैं क्वेश्चन नंबर वन इज हु वर द पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम परफॉर्मिंग रिचुअल्स सेकेंड क्वेश्चन इज डज द टर्म विश मीन्स क्वेश्चन नंबर थ्री वेन डिड द टैक्स कलेक्शन स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर फोर विच टाइप ऑफ पोट्री वॉज फाउंड ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनप्रदास तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट टू ऑफ दिस सीरीज एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो